नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे चित्रा मुदगल जी के उपन्यास नाला सुपारा पर बात करूंगी। जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर का सबसे बड़ा सच है मानवता, नैतिकता, सहृदयता और सहिष्णुता का तार तार होते जाना। सारे मानवीय मूल्यों को लगातार ह्रास होते देख रहे हैं हम। चित्रा मुदगल जी का उपन्यास नाला सुपारा पढ़ने के बाद असल में समाज का एक ऐसा चेहरा हमारी आंखों के सामने से तैरता है, उभरता है, जो हमें लंबे समय तक झकझोरे रखता है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, इसकी संरचनाएं किस कदर खंडित हो रही हैं, जीवन मूल्य चरमरा रहे हैं और मानवीय मूल्य जो खरीदे बेचे नहीं जा सकते वे हाशिए पर हैं। पाठक को झटका इतना जोरदार लगता है जिसे वह लंबे समय तक नहीं उबर पाता, और यही इस उपन्यास की खासियत भी है, यही इस उपन्यास की सफलता है। चित्रा जी की लेखनी की ताकत यही है कि वो लंबे समय तक केवल स्थिर ही नहीं, स्थायी प्रभाव छोड़े। समाज को जेंडर के हिसाब से 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है, पुरुष, महिला और अन्य। ये अन्य जो है, यानी अदर्स, यानी ट्रांसजेंडर, किन्नर। दरअसल किन्नर आज भी इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद, इतने संघर्ष के बाद, बल्कि इतने विमर्शों के बाद भी आज भी किन्नर किस तरह से उपेक्षित हैं समाज में। और समाज तो बनता है हमसे और आपसे, हम और आप इनके साथ किस तरह का रवैया अपनाते हैं, और हम और आप तो बहुत दूर उनका घर परिवार, उनके निजी रिश्तेदार, उनके माँ बाप तक किन्नरों के प्रति किस प्रकार का उपेक्षा और किस प्रकार का निरादर और किस प्रकार की जिसको कहते हैं अनवेलकम्ड, अनवांटेड, उन्हें फील कराते हैं। साथियों, हवस की पूर्ति के लिए एक किन्नर का बलात्कार होना कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है, आए दिन ये सुनने को मिलता है। और बलात्कार के बाद इस देश के नेता बलात्कारियों को बचाने में जुट जाते हैं। किन्नर तो वैसे ही परिवार और समाज का बहिष्कार झेल रहा है, और वही झेल झेल कर उसी उपेक्षा को, उसी निरादर को, उसी अपमान को झेल कर बड़ा होता है। गालियां और तिरस्कार तो उसकी जिंदगी का जैसे हिस्सा है, उसकी परवरिश का हिस्सा है। उसका चंगोर, उसका परिवेश जो है, वो दरअसल इन्हीं गालियों और तिरस्कार से बनता है। इसके बाद भी उसका मानसिक बलात्कार होना और उसका शारीरिक बलात्कार होना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल मानवीय मूल्यों का किस कदर पतन होता जा रहा है। और उससे खासा दुखद और यह है कि किन्नर का बलात्कार और किन्नर की हत्या, साथियों, ये समाज के लिए कोई बड़ी खबर नहीं बनती, कोई ये कोई मायने नहीं रखता, कोई सनसनीखेज या कोई जिसको कहते हैं दिल दहला देने वाली या प्रश्न कौंधने वाली या सोचने समझने के लिए उतारू करने वाली, बेचैन करने वाली ऐसी कोई घटना क्यों नहीं बनती समाज के लिए। ये दरअसल नाला सोपारा में चित्रा मुदगल जी इसको रेखांकित करती हैं, चिन्हित करती हैं। जब इस समाज में बच्चियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं, बुजुर्ग तक नहीं छोड़ी जा रही हैं, तो बलात्कार की घटनाएं दरअसल केवल शारीरिक बलात्कार नहीं होता, वो मानसिक इतनी बड़ी क्षति पहुंचा कर जाता है कि उसके बावजूद जिस पर यह घटना घटी वह तो आहत होता ही है, वह तो क्षत विक्षत हो जाता है, लेकिन समाज क्यों थोड़े समय बाद इस घटना को या बलात्कार को थोड़े समय के बाद भुला देता है। यह समाज न उन बच्चियों का है, न उन बुजुर्ग महिलाओं का, और किन्नरों का तो कभी इज्जत देता ही नहीं। यहाँ तक सब कुछ दिखावे के लिए होता है, किन्नर के बलात्कार पर और किन्नर की हत्या पर साजिश का, और क्या कहते हैं, विचार मुहावरे चलते हैं, है ना, चर्चा का विषय बनता है, लोग समूह में एकत्रित होते हैं, और ये जो सहानुभूति और ये जो सद्भाव का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं,
साथियों ये इस पर चित्रा मुद्गल जी को खासा गुस्सा है, नाराजगी है। किन्नर की हत्या पर क्यों कभी कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला जाता? किन्नरों की हत्या पर मीडिया में कोई हायतौबा नहीं मचती? नेताओं के लिए वो कोई बहुत क्या कह सकते हैं असरकारी सरकारी वजह तो बनती है, असरकारी विषय क्यों नहीं बनता? चित्रा मुद्गल जी के इस उपन्यास में नाला सोपारा में किन्नरों की जिंदगी की असलियत को दिखाने के क्रम में समाज का ऐसा चेहरा भी वो दिखाने में सफल होती हैं जिसमें रिश्ते नातेदार हैं, जिसमें घर परिवार है, समाज का बड़ा कुनबा है और सब खोखले हैं, भीतर से सब खाली हैं, संवेदन शून्य हैं। समाज के भीतर जब हम झांकते हैं, ये समाज तो हमसे और आपसे ही बनता है, समाज के भीतर जब हम झांकते हैं, भीतर तक धंसते हैं, तो उसकी त्रासदी, उसकी परतें, उसकी खोखली परतें बेनकाब हो जाती हैं और हम खोखले समाज के अंदर धंसते जाते हैं, उस पीड़ा को, उस अपमान को, उस अवसाद को गहरे तक महसूसते हैं। पुलिस को एक किन्नर की फूली हुई लाश मिलती है जिसे पुलिस किन्नरों को आपसी रंजिश की वजह बताकर और इसे हत्या का जामा पहनाकर रिपोर्ट बंद कर दी जाती है। और प्राय यही होता है किन्नरों के साथ घटने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं के साथ प्रायः यही होता है। चित्रा मुद्गल जी सोर इशारा नहीं करती, जरूरी हस्तक्षेप करती हैं। अब जबकि चिट्ठियां सब ओर से गायब होती जा रही हैं, इंटरनेट का जमाना है, ईमेल का जमाना है और तुरंत तुरंत व्हाट्सएप और आप मैसेजिंग करते हैं और एक दूसरे के भाव विचार को, एक दूसरे की खोज खबर लेते हैं, दूसरे का हालचाल लेते हैं, ऐसे में चित्रा मुद्गल जी चिट्ठियों की प्रामाणिकता को, उसकी संवेदना को कथाक्रम में बुनती हैं, पत्र शैली में ये उपन्यास लिखती हैं। तो संभवतः पत्र शैली में कई उपन्यास पूर्ववर्ती भी होंगे, हैं पत्र शैली में लिखे गए हैं उपन्यास, लेकिन ये ताना बाना, ये नाला सोपारा अपने ढंग का अनूठा उपन्यास है। अब जब मैं अनूठा कह रही हूँ तो ये चिट्ठियाँ संवाद का सेतु बनती हैं, पुल बनाती हैं, संवेदना का पुल बनाती हैं, रिश्तों की गर्माहट को बनाए रखने की जद्दोजहद में रहती हैं। लेकिन साथियों आप ये देखें कि ये चिट्ठियाँ कभी हारती हैं तो कभी मनुहारती हैं, क्योंकि संवाद का प्रति संवाद नहीं हो रहा चिट्ठियों में, जो कि आप को यहाँ सुविधा होती है व्हाट्सएप में, तो ये कभी हारती हैं और कभी मान मनुहार दुलार सत्कार इन चिट्ठियों के माध्यम से आवाजाही होती है। विनोद नाम का युवक किन्नर, जो बिन्नी के नाम से इस कथा में, इस उपन्यास में पात्र और चरित्र है, बिन्नी को माँ का लाड़ दुलार, मार फटकार, सब कुछ उन्हीं चिट्ठियों का सहारा, उसी माध्यम से, उन्हीं चिट्ठियों के माध्यम से वो पाता है, क्योंकि माँ से कोसों दूर है वो। संवेदना के धरातल पर भी, सामाजिक परिवेश जो बुना गया है उसके धरातल पर भी, और ये जो ढांचे की का हस्तक्षेप है कि किन्नर अलहदा हो रहेगा, किन्नर समूह में नहीं रहेगा, परिवार में नहीं रहेगा, माँ बाप के साथ नहीं रहेगा, चित्रा मुद्गल जी इस परेशानी की ओर भी, इस दिक्कत की ओर भी रेखांकित करती हैं, चिन्हित करती हैं। अब इन्हीं चिट्ठियों की बदौलत वह जीवन के रोज नए नए सोपान चढ़ रहा है, नई डगर खोज रहा है। साथियों दरअसल जब मैं ये कह रही हूँ तो इस नई डगर को खोजने में चित्रा मुद्गल जी लिखती हैं कि भूलते क्यों नहीं कीलों से चुभते प्रसंग, क्यों घुमड़ आते हैं तेरी स्मृतियों के कांधे पर दुबके, तेरी स्मृतियाँ जो मेरी सांसों में घुली हुई हैं, वाह उन्हें अपने से अलग करूं तो कैसे करूं। ये विनोद बिन्नी अपनी माँ को चिट्ठियों में लिखता है। अब आप देख रहे हैं कि ये कथात्मकता, ये संवाद दरअसल कहन शैली में है, हा? और कहन शैली में वह ताकत होती है जो आज से लेकर अंत तक उपन्यास को एक सूत्र में पिरोए रहती है, जैसे कोई रेशा रेशा, कोई भाव, कोई अनुभव, आलंबन, उद्दीपन कहीं से कुछ छूट कर गिरने ना पाए।
कहानी में एक अंतर कहानी चल रही है ना। कहानी में कहानी ही उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये चित्रा मुद्गल जी की भी ताकत है। कहानी कहने की कला उनमें है, और कहानी कहने की कला सब में नहीं होती, क्योंकि ये बड़ी जल्दीबाजी की फौरन की चीज नहीं है, बल्कि ये फुर्सत की चीज है। मैंने इस आलोचना को, इस उपन्यास को पढ़ते हुए इस आलोचना में ये दृष्टि भी पाई कि कहानी कहन की शैली जो है, या कहानी कहने की जो कुवत है, ताकत है, काबिलियत है, वो फुर्सत की चीज़ है। उसे न तो हड़बड़ी में कहा जा सकता है और न हड़बड़ी में सुना जा सकता है। एक रोज बेटा अपनी बा को नाभिनाल से जोड़े रखना चाहता है। अब आप देखें कि इस उपन्यास में नए नए संबंधों में नए नए मायने तलाशता हुआ बिन्नी अपनी पत्र शैली में लिखे उपन्यास में बेहद सचेतता के साथ, बड़ी उद्यमशीलता के साथ अपनी डिमांड रखता है। बिन्नी जैसे कोई बात बत कही हो, जैसे यहाँ वहाँ उलझी और बिखरी हुई स्मृतियाँ हों, और इन स्मृतियों के संग्रहालय को पिरोने की क्षमता चित्रा मुद्गल जी में अद्भुत है, अलौकिक है। वैसे चित्रा मुद्गल जी का ये जो अंदाजे बयां है हमेशा कहन शैली में ही रहे, और क्यों ना हो, क्योंकि चिट्ठियाँ पढ़ी और सुनी जाने वाली है ना विधा है, तो चिट्ठियों के लिए जिस तरह से पढ़ना, मतलब चिट्ठियाँ लिखने की प्रक्रिया में, पढ़े जाने और सुनाए जाने की प्रक्रिया में, उस पूरी संवेदना को अपने साथ साथ समोए रहती हैं। निर्वासन कहीं से भी दुखद होता है, कहीं से भी व्यक्ति जहाँ से निराद्रित हो रहा है, जहाँ से अपमानित हो रहा है, जहाँ से निर्वासित हो रहा है, उसका अवसाद, उसकी पीड़ा, उसका दुख उसे घेरेगा ही। और अगर व्यक्ति अपने ही घर से, अपने अपनों से, है ना, और माँ के नाभिनाल से निर्वासित हो रहा है, देखिए परिजनों का तिरस्कार, समाज का बहिष्कार, या घर परिवार नात रिश्तेदार का तिरस्कार, निर्वासन व्यक्ति सह लेता है, पर माँ के नाभिनाल से दूर, अपने परिजनों से अस्वीकृत, या घर परिवार से परित्यक्त होने का दंश, ये केवल बिन्नी या विनोद का नहीं है, ये पूरे किन्नर समुदाय को भुगतना पड़ता है। और अफसोस यही है जो चित्रा जी आपको बताना चाहती हैं इस उपन्यास के जरिए, कि अफसोस यही है कि ये कभी संसद और संविधान का विषय क्यों नहीं बनता। ये नेतृत्व करने वाले जो महामहिम हैं, उनको कभी क्यों नहीं झकझोरता, उनको कभी आहत क्यों नहीं करता, उनको क्यों टीस नहीं उठती, उनको क्यों पीड़ा नहीं होती। अधिकारों की चिंता लोग बहुत कर रहे हैं, विमर्श लोग कर रहे हैं, लेकिन वह टीस जो किन्नर समुदाय महसूस कर रहा है, उसको लोग क्यों भुला दे रहे हैं, जो वो बिन्नी, वो विनोद, और एकलौता बिन्नी या विनोद नहीं है, ऐसे कई क्षेत्रों में और कई कस्बों में और नगरों में, महानगरों में बिन्नी और विनोद पाए जाती हैं बहुतायत रूप में। तो उपन्यास का जो ये केंद्रीय चरित्र पात्र है विनोद, ये कभी बिमली, कभी बिन्नी, तो कई कई नामों से वह पुकारा जाता है, और कई कई नामों से पुकारे जाना दरअसल उसे आहत करता है। चित्रा मुद्गल जी आपको दिखाना चाहती हैं, ये आपको बताना चाहती हैं, और बहुत गहराई से आप तक पहुंचाना चाहती हैं कि दरअसल जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को। ताकत से किसी बात को कहना है ना, दो वाक्यों के बीच की असहजता को अपने पाठक तक, अपने श्रोता तक पहुंचा देना, और बड़ी स्वाभाविक गति से, है ना, और अपने पाठकों, श्रोताओं को स्पेस देना, सोचने की, विवेक की आज़ादी देना, ये चित्रा मुद्गल जी की खासियत है। फ्लैशबैक में चल रही होती है कहानी, कभी वर्तमान के कसैले अनुभवों में आ जाती है, और कभी टीका और टिप्पणी के साथ रचती बसती पूरी कथा प्रक्रिया में गुजर रही होती है। यह उपन्यास इस नजरिए से भी अन्य कई समकालीन उपन्यासों में ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित रहा, और अपनी अनूठी शैली के कारण, कहन शैली के कारण, बतकही के कारण भिन्न भी दिखाई देता है।
अपनी संपूर्ण प्रक्रिया में ये जूझता हुआ बिन्नी अपने अस्तित्व की तलाश करता हुआ बिमली या ये युवक विनोद प्रतिभाशाली युवक है, ऊर्जा से भरपूर है, उसके अंदर सारी कुवत और काबिलियत है, पर लगातार जन्म से लेकर अंत तक वह जूझ ही रहा है, वह लड़ ही रहा है पूरी ताकत से, कभी सामाजिक व्यवस्था से, कभी सामाजिक सोच से, कभी पारिवारिक ढांचे से, कभी समाज के ढांचे से, परिजनों, मित्रों और संबंधियों की अपमानजनक संबोधनों से, है ना, और उनके अनदेखे किए जाने की जो साजिश है, इस पूरी बनी बनाई परिपाटी से वो लगातार लड़ रहा है, जूझ रहा है ना, संघर्ष कर रहा है। कहीं परिवार का अनुशासन है तो कहीं पहनी ओढ़ी हुई मर्यादा है, मान मर्यादा, और इस सब से लड़ता भिड़ता जूझता अपना बिन्नी अपने आप से भी और अपने ही लिए किए गए सवालों से भी लगातार दो चार हो रहा है, लड़ रहा है, भिड़ रहा है, और इन सब का जवाब केवल वो अपनी बा से मांगता है। उसे जवाब समाज से नहीं चाहिए, सामाजिकों से नहीं चाहिए, भद्र नेताओं से नहीं चाहिए, महामहिमों से नहीं चाहिए, देश के कर्णधारों से नहीं चाहिए, राजनीतिज्ञों से नहीं चाहिए, परिजनों, रिश्तेदारों, नातेदारों से नहीं चाहिए, मित्रों से नहीं चाहिए। उसे जवाब केवल अपनी बेबस माँ से चाहिए, और वह अपनी माँ को सवालों का जरिया, वो जो संबंध सेतु मैंने कहा, वो दरअसल चिट्ठियों को बनाता है, चिट्ठियों का बहाना बनाता है। माँ बेबस है, उस तमाम मान मर्यादा और उड़ी पहनी हुई जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक सरोकार है, सामाजिक ढांचा है, दुनियादारी के खांचे खांचे में माँ बटी हुई है। स्त्री कभी भी संपूर्ण रूप से, पूरे रूप से अपने को नहीं जीती मरती, वो खंड खंड में जी रही होती है, स्त्री टुकड़ा टुकड़ा होती है, और अपने अपने ही द्वारा त्यागे गए बच्चे को आसानी से तो स्त्रियां नहीं भुलाती, माएँ नहीं भुलाती, लेकिन वह कोशिश कर रही होती है कि अपने इस परित्यक्त बच्चे को भला वो दे भी तो क्या सकती है, उसके सवालों का जवाब तक नहीं दे सकती। तो केवल समाज ही बा के खिलाफ नहीं है, दरअसल परिवार भी, परिवार में उसका पति है, उसका बड़ा बेटा है, जो बिन्नी की कोई निशानी घर में नहीं रखना चाहते, कि माँ जब जब इससे गुजरेगी, जब जब इसे देखेगी, माँ की स्मृतियाँ कुल बुलाएंगी, माँ बेचैन होगी, और इस उहापोह में कहीं वो कोई निर्णय न ले ले, तो माँ बिन्नी से जुड़ी हुई इस तमाम निशानियों को घर से मिटा दिया जाता है, और इसमें उसके पति और उसका बड़ा भाई काम करता है। पप्पा जिस तस्वीर को खुद फ्रेम करवा कर लाए थे, उसे भी जोर जबर उतरवा दिया गया। बाजार जार आंसुओं में लबरेज आह भर कर रह गई। जो मेरे नजदीक हैं, मन्नत से पाई पहलौठी की संतान, वही मुझसे दूर कितनी दूर है, और जो दूर हो गया है वही सबसे करीब। जो दूर हो गया है यानी बिन्नी, और जो पहलौठी की संतान है, जो साथ रहकर भी माँ की हाल को समझ नहीं रहा, माँ की पीड़ा को समझ नहीं रहा, यानी बड़ा बेटा जो परिवार के वंश का उत्तराधिकारी है, जो माता पिता की तीस को सबसे ज्यादा जिसे समझना चाहिए, माँ बाप का एक तरह से बड़ी संतान जो है वो माँ बाप का संगी साथी होता है, सबसे बड़ा साथी होता है, क्योंकि ज्यादा समय उसने गुजारा होता है अपने माँ बाप के साथ ना, लेकिन वो भी अपने माता पिता के उस अवसाद को, उस गहरी पीड़ा को, उस टीस को समझना ही नहीं चाहता, कतराता है उससे। साथ रहते हुए भावनात्मक धरातल पर भी वह अपने माँ बाप से दूर हो रहा है, इसलिए कोई संवाद अब इनमें नहीं होता, संवाद संभव ही नहीं है। एक बिन्नी है जिसे नरक जैसी जिंदगी में ढकेल दिया गया है, पर वह अपने पापा और बा के दुख दर्द को समझ कर भी, उनकी हर आस प्यास, हर सांस का साझीदार हो करके भी उनके करीब नहीं है, उनके दुख सुख बटा नहीं सकता, उनके कंधे पर संवेदना के, सहानुभूति के, सहयोग के, सद्भाव के हाथ नहीं रख सकता, सहारा नहीं दे सकता, जबकि वो लगातार अपने मन और जीवन में, अपने घर परिवार और समाज से, अपने बा और पापा से
दूर धकेल दिए जाने के बाद भी मन की तहों में उन्हीं में डूबता उतराता रहता है पूरे जीवन, अपने आजीवन जीवन भर वो हर सांस भर आखिरी सांस तक बिन्नी अपने माता पिता के सुख दुख में उनकी हर दशा और मनोदशा का सबसे बड़ा संगी साथी होता है जिसे दूर कर दिया गया है। बचपन में बिन्नी की मौत की घोषणा कर दी जाती है। ऐसा होता है प्रतिष्ठित परिवारों में, रसोखदार परिवारों में, समाज के डर से, नात रिश्तेदार की बार बार पूछताछ से, है ना, माता पिता एक बार उकता कर ये फैसला ले लेते हैं और स्कूल में भी जाकर बच्चे के मौत की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि उसे त्यागना है, उसे छोड़ना है, वो समूह में, उस समुदाय में, उस परिवार में नहीं रह सकता, रहने का अधिकारी नहीं है। एक दुर्घटना में उसके मरने की सूचना उसके स्कूल के साथियों तक पहुंचा दी जाती है, तमाम नात रिश्तेदारों को भी दे दी जाती है। पापा पुरुष हैं, माना जा सकता है कि उनके पास एक कठोर हृदय है, है ना, वो परिवार की प्रतिष्ठा ढो रहे हैं, वो मान मर्यादा को प्राथमिकता दे रहे हैं और उसी को चुनते हैं। लेकिन किन्नर के पिता कहलाने का शर्म इतना बड़ा हो जाता है कि वे भी इस षड्यंत्र के कुचक्र के शिकार बनते हैं। पर बा जो उसकी माँ है, और माएँ तो कठोर दिल हो ही नहीं सकती, चित्रा मुद्गल जी ने यहाँ बिन्नी के बहाने दरअसल एक स्त्री का पूरा मनोविज्ञान भी खींचा है। और वे कहती हैं, कोटेड, औरतें अपनी हिम्मत का इस्तेमाल नहीं करती, ये एक तरह का प्रतिरोध है चित्रा मुद्गल जी का, इसे आप स्त्री विमर्श के बहाने समझ सकते हैं कि एक स्त्री होकर, उपन्यासकार एक स्त्री है और गहरे इस भावबोध से गुजरी है, बड़ी गहराई से, तभी चित्रा मुद्गल जी कहती हैं औरतें अपनी हिम्मत का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करती, उनकी अपनी आंखें नहीं होती, वे अपनी आंखों को अपनी आंखों के कोटरे से स्वयं निकाल कर अपने पति और बच्चों की जेबों में सरका लेती हैं। मतलब मेरी अपनी कोई नजर नहीं, मेरा अपना कोई नजरिया नहीं, जो कुछ देखूंगी, जो कुछ सोचूंगी, सुनूंगी और देखना चाहूंगी वो तुम्हारी आंख से, वो चाहे फिर बड़ा बेटा है जो परिवार का उत्तराधिकारी होगा, और चाहे वो पति है जिसकी वो अनुगामी है। अब साथियों, एक स्त्री उपन्यासकार इसको शिद्दत से कह रहा है तो आप ये बात ध्यान देने लायक है, यही विवशता और यही मसरूफियत का पर्दा पहने लगातार पहने पहने बा और माँ बिन्नी के खत को घर पर भी नहीं ले सकती, मतलब रिसीव नहीं कर सकती। बिन्नी जो दिल खोल कर अपनी शिकायतें, अपनी बहस और अपनी लाचारी या अपनी बेचारगी के प्रति, सारी समस्याओं के प्रति माँ को जिम्मेदार ठहराता है कि तुमने साहस किया होता, है ना, माँ ही समाज बनाती है, हमारा ये मानना है, चित्रा जी का भी ये मानना है कि स्त्री ही परिवार की धुरी है और स्त्री ही समाज का निर्माण करती है, देश का निर्माण करती है, भविष्य का निर्माण करती है। तो ये विवशता और ये मसरूफियत जो पहने हुए है, ओढ़े हुए है बिन्नी की माँ, और वो बिन्नी के खत को घर पर स्वीकार नहीं कर सकती, यहां तक कि उसे मिलने जुलने की भी आजादी नहीं है, बिन्नी जो परित्यक्त है, जो छोड़ा हुआ है। बा के अपनों ने ही, पति और बड़े बेटी ने ही उस पर ऐसा प्रतिबंध लगा रखा है। अब इस प्रतिबंध के साथ माँ कोई नया, कोई दूसरा निर्णय, अपनी अपना निर्णय नहीं ले सकती। बिन्नी प्रतिभाशाली युवक है, बड़े तेज दिमाग का है, प्रखर युवक है, तो देखने, बोलने, सुनने में भी बड़ा आकर्षक है। हर तरह से वो प्रभावशाली व्यक्तित्व होकर भी एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए, एक अनाम जिंदगी जीने के लिए क्यों बेबस है? बा को ये चीज खाए जाती है। बा को लिखे खतों के जरिए वो लगातार अपनी जीने की इच्छा, है ना, जीवन पर उसका कितना अधिकार है, बेहतर जीवन पर उसका कितना अधिकार है, वह बेहतरीन ढंग से अपनी जीवन शैली रख सकता है, अपना लाइफस्टाइल बना सकता है, अपनी जिजीवशा जाहिर करता रहता है खतों में माँ से, और अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मबल के सहारे वो ये निर्णय लेता है कि वो लगातार पढ़ाई लिखाई जारी रखेगा, और वह जारी रखता है। वो इग्नू का फार्म भरता है, वह मेल फीमेल अदर्स का कॉलम देख कर भन्ना जाता है। सामाजिक शिष्ट संभ्रांत लोग अदर्स को बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं। किन्नर कहकर पुकारना
या इस संबोधन से बुलाना, ये दरअसल समाज की संवेदनहीनता को, समाज की खोखलेपन को, या क्या कह सकते हैं, जड़ होते मकर जाल को, दरअसल उनकी जो, उनका जो षड्यंत्र है, उनका जो ये क्रूर कुचक्र है, वो समझ में आता है कि वो अपने मकर जाल से बाहर निकलते ही नहीं, अपने दिमागी उथल पुथल से बाहर निकलते ही नहीं। किन्नर सुनने में भले गाली न लगे, लगता है कि किन्नर, ये गाली भले न लगे, मगर निहितार्थ में तो वह उतना ही क्रूर संबोधन है, उतनी ही मर्मांतक पीड़ा दे जाता है, भीतर तक आपको झकझोर जाता है। जैसे अशिष्ट भाव शून्य लोगों को हिजड़ा कहकर संबोधित करना, वस्तुतः यह संबोधन नहीं है, ये एक तरह की गांठ है, एक हीन भावना है, एक ग्रंथी है, एक महारोग इसे मैं कहती हूं, बल्कि यूं कह लें कि एक लीजिए भाव शून्य समाज की ये रुग्ण मानसिकता है, वे सब रोगी हैं जो इनको हिजड़ा पुकारते हैं, जो अपने स्रोत से अलगा देने पर, या परिवार से परित्यक्त होने पर, या घर से विस्थापित होने की जो पीड़ा है, जो दंश है, वो किन्नर ही समझ सकता है, वह दूसरा किन्नर ही उस किन्नर के दुख को, दंश को समझ सकता है। दरवाजों पर ही काठ के पल्ले नहीं जड़े होते, हृदय भी कठकरेज हो जाते हैं। ये कठकरेज शब्द चित्रा मुद्गल का बेहद अनूठा सा, नया नया सा मुझे लगा, और बड़ा गमई है, देहाती इसमें वो है, फुट है, लेकिन कठकरेज, ये शब्द अपने आप में बहुत सारी भावभंगिमाएं लिए हुए है, बहुत सारा उस पूरे दंश को उघारने में मुझे लगता है ये इकलौता शब्द ही पूरा है। ये किन्नर उस दैविक परिस्थिति के लिए, जिसके लिए वह दोषी भी नहीं है, किस परिवार में मैं जन्म लूँ, किस माता पिता से मैं जन्म लूँ, मेरे जन्म के बाद मेरे शरीर का कौन सा हिस्सा रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों आजीवन मुख्य धारा से मैं अलगा दिया जाता हूँ, क्यों हाशिए पर पहुँचा दिया जाता हूँ, ऐसे कई ज्वलंत और दो टूक सवाल चित्रा मुद्गल जी इस उपन्यास में उठाती हैं। घर परिवार और समाज से छूटना, छिटकना, और छूटने छिटकने के बाद भी बिमली का, विनोद का, बिन्नी का उससे दूर ना हो पाना, वह दूर कहाँ हो पाता है, वह तो और जुड़ जाता है, बल्कि कभी पापा की चिंता, तो कभी भाई के बर्ताव की परवाह, तो कभी भाभी के होने वाले बच्चे की शुभ चिंता, और बा से तो ना भी नाल का संबंध है, बा तो एक पल के लिए भी न उसे बिसराती है और न बा बिसरती है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब तेरे लिए जतन से बटोरा हुआ समय कहीं और खर्च हो जाए। यह बा का आशीर्वाद ही है जो किसी चमत्कार से कम नहीं कि बिन्नी भविष्य के सपने बुन रहा है। जिजीविषा, जिस नरक से वह गुजर रहा है, उस नरक की हर गली बा की शुभाशंसा, बाकी दरअसल वो तड़प, क्या कह सकते हैं, बा से जैसे गुजर रही है वो हर गली, हर टीस, हर दंश, जैसे बा को चौगुना भीतर तक चुभ रही है ना? जिस बिन्नी उफ विनोद को महान गणितज्ञ बनाने का सपना बा का होता है, हर माँ का सपना अपने बच्चे से जुड़ा होता है, पर वह पूरा नहीं कर पाती, और कोई भी माँ अपनी संतान का सपना जीते जी टूटने नहीं देख सकती, देख ही नहीं सकती। समाज से तिरस्कार और जुल्म केवल बिन्नी ने नहीं सहे हैं, बा भी दोगुना सह रही है। बा पर अपरंपार, क्या कह सकते हैं, एक नियंत्रण है, एक नज़र है उस पर, लगातार पहरे हैं, और उन पहरों के बाद समाज की उस धुतकार को, तिरस्कार को, जो उसके बेटे से गुजर रही है, वो उसको माँ अधिक भुगत रही है। अपनी कोख की संज्ञा से पलायन करना, जीते जी अपनी संतान को मरा हुआ मान लेना, यह तो जिसने खोया होगा ना वही समझ सकता है। चित्रा मुद्गल जी एक जगह लिखती हैं कि जिसने खोया नहीं, खोने की पीड़ा को कैसे महसूस करे, कि क्यों बा का मन दरवाजे पर लटकते बिन्नी के स्कूल बोतल और स्कूल बैग को छूकर मन कचोटता है। किन्नरों की ऐसी अवस्था के दोषी केवल कठोर सामाजिक ही नहीं है, वो नात रिश्तेदार, परिवार, समाज, वे सब तो हैं ही, बल्कि वह पूरा का पूरा तबका भी है,
जो पिछड़ी परंपराओं, पिछड़ी मान्यताओं, रूढ़ियों में विश्वास रखता है। बल्कि सच तो यह है कि किन्नर समुदाय भी उतना ही दोषी है, जो कभी नेताओं को तो कभी पुलिस को तो कभी कभी गुंडागर्दी करने वालों को भी अपने को सौंप देता है, उनका हथियार बन जाता है। असामाजिक तत्वों के साथ उनके हाथ की कठपुतली बनने में जितनी भूमिका किन्नरों के संदर्भ में सामाजिक बहिष्कार और तिरस्कार की रही है, उससे कम उनके पथभ्रष्ट और निरंकुश सरदारों, किन्नर सरदारों और किन्नर गुरुओं की भी रही है। बिन्नी के किन्नर समुदाय में ही पूनम जी हैं, जो समाज में समान अधिकार और सामान्य पहचान की ललक पाले हुए हैं, अपने मन में पाल पोस रही है कि समाज में बराबर का अधिकार मिले, समाज में बराबर की पहचान मिले और हमारे भिन्न जत्वों को सुरक्षित रखा जाए। पूनम जी बिन्नी को मन ही मन अपना सब कुछ मान बैठती हैं। जो नृत्य की भाव भंगिमाओं से कभी लोगों का मन बहलाती हैं, तो कभी कभी बड़े बड़े लोगों की पार्टियों में नाच गान करती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं, वस्तुतः उन्हें दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट और उनकी झूठी मूठी प्रशंसा और सम्मान पाने की हसरत नहीं है। पूनम दरअसल बिन्नी के करीब आना चाहती हैं, बिन्नी की प्रशंसा, उसकी तवज्जो पाना चाहती हैं। पर समाज इतना क्रूर है कि विधायक जी और तिवारी जी बिन्नी और पूनम को अपने अपने तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस उपन्यास में फ्लैशबैक में चलती हुई कहानी है, एक अवसादपूर्ण मोड़ आ जाता है जब पूनम जी का बलात्कार हो जाता है। राजनीति के पहलवान अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसके अपमान की हद तक पहुंच जाते हैं और हिजड़े को लहूलुहान कर देते हैं, जिसकी भनक भी बिन्नी तक नहीं जाती, बिन्नी को नहीं पहुंचती। इधर बिन्नी जूझ रहा है राजनीति का खाड़े से, वह मोहरा है विधायक जी का तो कभी तिवारी जी का। तिवारी जी बड़े टीस के साथ बिन्नी को समझाते हैं राजनीति के सुलगते ढांचे को क्या चाहिए, सुलगता हुआ मुद्दा जो कभी शिक्षा है, कभी रोजगार, कभी संपत्ति, ऋण, बूढ़ों की पेंशन, बेरोजगार युवाओं को भत्ता, ये सबको पाने के लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा। किन्नर समाज को सबके लिए किसी न किसी को तो एक को किसी एक को तो आवाज उठानी पड़ेगी। देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए किसी एक का नेतृत्व जरूरी है, क्योंकि सभी जेलें भरी जानी है और धरना होना है। तो जेलें भरी जाए और धरना हो, इसके लिए बिन्नी को प्रतिनिधित्व के लिए उकसाया जाता है, क्योंकि जनजीवन जब तक ठप न होगा, जब तक रोज की आवाजाही को रोका नहीं जाएगा, जब तक दिनचर्या में कोई अवरोध नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। तिवारी जी के बताए समझाए के विपरीत बिन्नी ने सभी को संबोधित भी किया और बड़ी जायज और वाजिब मांगे मांगी, है ना, सबके सामने उन्होंने जो मांगे थी, जो डिमांड थी, वो सामने सबके रख दी। सबसे पहले तो किन्नरों की पीड़ा के बारे में कहा, उनकी वंचना के बारे में कहा, उनकी यातना और तड़प समझाने के लिए सारे मानवीय परिप्रेक्ष्य में सहानुभूति पूर्वक किस तरह रवैया अपनाया जाए, इस पर बात की। उसके बाद सरकार से अपील करनी चाहिए कि सभी लिंग दोषी बिरादरी की घर वापसी हो, नए कानून बनाए जाएं जिसमें अभिभावकों को भी बाध्य किया जाए कि घर से विस्थापित बहिष्कृत बच्चों को, चाहे वह उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, साथ ही घर परिवार उन्हें रखे। सबसे आखिरी और जरूरी बात बिन्नी उर्फ विनोद ने किन्नर समुदाय के लिए किन्नर समुदाय से कही। क्या कही? किन्नर समुदाय से उन्होंने अपील की कि अब वे शपथ लें कि किसी भी लिंग दोषी बच्चे या बच्ची, किशोर या किशोरी, युवक या युवती को जबरन उसके माता पिता से नहीं छीनेंगे। समाज की मानसिकता ऐसे ही बदलेगी, इन सड़ी गली मान्यताओं को जब तक फाड़ कर जला नहीं दिया जाएगा, तब तक ये माँ बाप नहीं समझेंगे और परिजन ये जनांग दोषी औलाद से जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक घर वापसी भी नहीं हो पाएगी। पुरानी पहचान को मिटाए बिना नई पहचान बनाना संभव नहीं है। चित्रा मुद्गल जी एक जगह इस उपन्यास में लिखती हैं, आसान नहीं है सोच भर लेने से धमनियों में बहकर अनचाही गुंजलक से निकल पाना।
क्योंकि परिवर्तन बलि मांगता है। एक पूरी पीढ़ी को बलि देनी होगी, देनी ही होगी। तो साथियों, विधायक के यहां वो पूनम जोशी का बलात्कार हो गया है, जो बिन्नी तक बात नहीं पहुंचाए जाती, उसे यहां राजनीतिक नेतृत्व में उलझाए रखा जाता है। ये खबर पाते ही बिन्नी के होश उड़ जाते हैं। खबर मिलती है तिवारी जी ने और विधायक जी ने मिलकर भतीजे बिल्लू समेत अन्य चारों दोस्तों को रातों रात अज्ञात स्थान के लिए रवाना कर दिया और तर्क दिया कि जवान खून था जी, जवान खून था, बहक गया। पूनम जोशी से आईसीयू में मिलते हुए बिन्नी को एक बार एक साथ शर्म भी है, ग्लानि भी है और चिंता, ये तीनों चीजें एक साथ घेर लेती हैं। और जब ये शर्म, ग्लानि और चिंता हमें घेरती है तो हमें सबसे पहले किसकी याद आती है? माँ की। और बिन्नी को भी अपनी बा की याद हो आती है। बा का अंतिम खत बिन्नी को नहीं मिलता। बिन्नी को बा के घर के लिए अफरा तफरी में रवाना कर दिया जाता है। बिन्नी ने भी बा को आखिरी खत लिखकर पोस्ट नहीं किया था। यह सोचता ही रहा कि बा से कभी तो मिलूंगा, साथ लेकर आऊंगा बा, तेरे पास पहुंचकर स्वयं तुझे अपने मुंह से अपना लिखा हुआ खत पढ़कर सुनाऊंगा। और अगले दिन अखबार में खबर छपी, कुरला कालीना कॉम्प्लेक्स से लगी हुई मिट्टी नदी में पुलिस ने एक किन्नर की फूली लाश बरामद की। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। पुलिस इस वारदात को आपसी रंजिश का नतीजा मान रही है और इस हत्या का संबंध किसी किन्नर गिरोह से हो सकता है। इस खबर के द्वारा चित्रा मुद्गल जी का उपन्यास का अंत कर देना, चित्रा मुद्गल जी का इस उपन्यास को समाप्ति कर देना, बहुत सारे क्षोभ, बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी अकुलाहट, चिंता और सवाल का यूं ही अनसुलझा रह जाना, यूं ही छोड़ देना ओर से छोर को, और छोर को बिना पकड़े हुए, बिना सुलझाए हुए छोड़ देना, वस्तुतः संवेदन शून्य, घर परिवार, देश समाज की जड़ता, बड़ी बड़ी ताकतों द्वारा किन्नरों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना और क्रूर सत्ता के हाथों से उसे इस दशा तक पहुंचाना बहुत बड़ी राजनीति है। कितनी बड़ी राजनीति है। और चित्रा मुद्गल जी का यह उपन्यास केवल किन्नर विमर्श का उपन्यास नहीं है, केवल सामाजिक कुरूपता, बदसूरती को उभारने वाला उपन्यास नहीं है, केवल किन्नरों के लिए आवाज उठाने वाला उपन्यास नहीं है, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक उपन्यास भी है। बहुत शुक्रिया।